दोस्तों नमस्कार। स्केचअप के आज के इस ट्यूटोरियल में हम कुछ खास बनाएंगे पॉलीगॉन या हेक्सागोन के थ्रू और शेप बेंडर टूल का यूज करके, प्लगइन का यूज करके मैं कुछ आपको स्पेशल जो है बनाना सिखाऊंगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप लाइन बेशक यहाँ पे जेड एक्सिस पे आप कितनी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने एक रेक्टेंगल लेना है और डायरेक्टली भी रेक्टेंगल जो है आप ड्रॉ कर सकती हैं। मैं यहाँ से 6 फीट ले लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से आप 6 फीट, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कितनी भी ले सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसको मैं रिवर्स फेस कर देता हूँ यहाँ से, ठीक। ये हो गया। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि जो मैं शेप बनाऊँ इसके ऊपर ही बने, ठीक है। वैसे भी बना सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से ले लेता हूँ, आप ये ले लें, ठीक है। पॉलीगोन, अगर आप पॉलीगोन लेना चाहें तो पॉलीगोन ले सकते हैं, अगर हेक्सागोन लेना चाहें तो हेक्सागोन ले सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट हमको को क्या हुआ, पॉलीगॉन ही करना पड़ेगा। यहाँ से पॉलीगॉन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए, अगर आप सिक ये लेना चाहते हैं, इसको आप जितने भी इसके कॉर्नर आप करना चाहें, अगर आप 8 करना चाहें तो आप 8 कर सकते हैं, 6 रखना चाहें तो आप 6 रख सकते हैं, 5 करना चाहें 5, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ एक, कितना भी आप बड़ा छोटा, जितना भी आप बड़ा छोटा करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आप एक इसको बाहर ले लें या अंदर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑफसेट कर ले लें इसका यहाँ पे। आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, या फिर बाद में भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लें और इसको कंपोनेंट में क्रिएट कर लें, ठीक है। ये हो गया कंपोनेंट हमारा, ठीक। अब आप जो बाहर का एरिया है उसको बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, इस एरिया को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आप ये जो एरिया, इसके डबल क्लिक करके इसके अंदर का एरिया उसको भी रिमूव कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको आप जैसे सेलेक्ट करें मूव टूल कॉपी कर लें इसकी, इसको आप क्या करें, यहां से इसकी कॉपी ले लें और यहां रख दें, ठीक है। देखिए जैसे ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहां से सेलेक्ट करके आप मूव टूल ले लें, कंट्रोल बटन दबाएं और इनको यहां प्लेस कर दें और आप एक्स 8 ये दबा दें, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो शेप है इतनी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इनको सभी को आप कॉपी कर लें, सॉरी सेलेक्ट कर लें, उसके बाद मूव टूल से आप इनको जो है कॉपी कर लें यहाँ पे और कर लें, ठीक है। देखिए इस टाइप की आपकी जो शेप है वो बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी शेप थी ये, इसको डबल क्लिक करें और सेलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा यहाँ तक जितना भी इसको आप एक्सपेंड करना चाहें यहाँ तक, ठीक है, प्रेस पुल करके आप कर सकते हैं। तो आपकी जो शेप है, जो ग्रिल है आपकी, इस टाइप की आपको दिखाई देगी। देखिए एक तो ये बना सकते हैं आप, अगर आपको कहीं डिजाइन में इसका यूज करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ से। देखिए ये हो गया। उसके बाद आप इनको जो इनको रिमूव कर सकते हैं और दोनों साइड आप इसको इस टाइप से आप जो है ग्रिल भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ, इसको हम एक साइड रख देते हैं, मूव करके यहाँ रख देते हैं। अभी हम इसके ऊपर काम करेंगे जो ग्रिल है हमारी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप इसको और जो है बेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले इसको आप कंप्लीट को ग्रुप कर लें, राइट क्लिक मेक ग्रुप, ये हो गया। अभी आपने इसको सेलेक्ट ही है, सेलेक्ट ही रखना है और एक लाइन आपने यहाँ से एक लाइन जो है यहाँ पे ले लेनी, ठीक है। ये देखिए लाइन जो है, ठीक है। तो ये लाइन ले लेनी आपने,
उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक कोई भी आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आर्क लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से एक आर्क मैं यहाँ लूँगा, या आप यहाँ ले लें, जितना भी आप लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मैं यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा, छोटा या बड़ा जितना भी आप, अगर सेम रखना चाहते हैं इसकी कॉपी कर सकते हैं। ये मेरे पास दो आर्क हो गए, अभी मैं इनको दोनों को जोड़ लेता हूँ एक बार। यहाँ पे ठीक है, लेकिन देखिए अभी क्या है, ये दोनों हमारे जो दो है अलग अलग है, ये पार्ट दो है, तो इनको क्या करेंगे हम दोनों को एक सिंगल में कन्वर्ट कर लें, एक्सटेंशन, और यहाँ पे एक ऑप्शन होती है वेल्ड। ठीक है, देखते हैं, ये देखिए एक हो गई दोनों। ठीक है, किसी भी लाइन स्प्लाइन जो है आपकी, किसी प्रकार की लाइन को जोड़ने के लिए आप वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी अगर आप वेल्ड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं लाइन को। अदरवाइज स्केचअप के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप दो लाइन को जोड़ सकें। ठीक है, वो सभी अलग अलग सेगमेंट में आपको दिखाई देंगी। अगर जोड़ना है तो वेल्ड प्लगइन का आपको यूज करना पड़ेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं स्केचअप एक्सटेंशन वेयरहाउस से, बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, अब मैं चाहता हूँ जो ये मेरी शेप है इसके ऊपर आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे एक शेप बेंडर प्लगइन है जो आपको मैं पहले भी करा चुका हूँ, वो लेते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे बेस लाइन हमने दी थी, ये लाइन इसको सेलेक्ट करना होगा। इस लाइन को सेलेक्ट करके देखिए, स्टार्ट एंड ये बता रहा है कि आपको यहाँ स्टार्ट यहाँ तक एंड जो लेना है, और वो इसका जो पॉइंट है कि आप कहाँ इसको बेंड करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये है मेरा आर्क, यहाँ पे मैं इसको बेंड करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद एंटर प्रेस कर दें, थोड़ा वेट करें। देखिए यहाँ पे जो हमारी शेप थी, देखिए कितनी अच्छी तरह इसने बैंड कर दी है, वेरी गुड, काफी अच्छा आप डिजाइन बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए अभी आप जो ये जो नीचे की जो कर्व थी, हम इसको आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ रखें इसको, अगर आप रोटेट करना चाहें तो इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ मैं। अभी देखिए इसका मैं आपको एक चीज और बना के दिखाता हूँ, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार चीज। ठीक है, यहाँ पे एक मैं आर्क लेता हूँ, आप चाहे तो बिल्कुल गोलाई में भी रखते हैं उसको। एक आर्क यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक छोटा ही लेंगे हम। लगभग इतना लेते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो ये शेप है इसके ऊपर मैं घुमा दूँ इसको, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको इसके नीचे एक लाइन मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, एक यहाँ तक। तो यहाँ क्या करें, शेप बेंडर टूल ले लें, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसके ऊपर आप जाके छोड़ दें इसको यहाँ पे, और एंटर प्रेस करें। थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस होने में, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो रोटेशन था, देखिए एक मटके की तरह बिल्कुल आपको ऐसे आप बना सकते हैं इसे। यहाँ पे देखिए काफी अच्छा जो है स्टाइल यहाँ पे बन चुका है, आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं।